भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद सिवान भाजपा कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, विधायक व्यासदेव प्रसाद के साथ सिवान के सभी भाजपा के बड़े कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सुषमा स्वराज के चित्र पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नंबर वह है ना 71 वाला 99347 333711 देश की महान नेत्री बहन सुषमा जी आज हम लोगों के बीच नहीं रही, कल रात में उनका देहांत हो गया। उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनकी काम करने का जो तरीका था, जो शालीनता थी, जो मृदुभाषिता थी, उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हम सिवानवासी उनका आभारी हैं कि जो 39 लोग विदेश में मर गए थे उसमें 6 लोग हमारे सिवान के थे, जिसमें 5 लोगों का तो DNA टेस्ट में उनका खून मिल गया था, एक आदमी का 70% खून मिल रहा था। तो हमने सुषमा दीदी के पास उसके भाई को लेकर गया, हमने कहा कि दीदी इसका चचेरा भाई का खून चला गया था जिससे कि 70% उसका खून मिल रहा है, तो एक बार फिर से प्रयास किया जाए और इसका खून भेजा जाए। तो हम आभारी हैं सुषमा दीदी का कि उन्होंने दोबारा टेस्ट करवा करके खून भेजने का काम किया और उसके भाई का खून मिला, तो 15-20 दिन के बाद उसका भी डेड बॉडी उन्होंने भेज करके, अपने सिवान के ठेपाह का रहने वाला एक लड़का था तो उसका भी डेड बॉडी भेजवाने का उन्होंने काम किया और भारत सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपया दिलवाने का प्रयास किया। और अनेक विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने जो हम लोगों के प्रति अपना सहयोग किया, हम उसके लिए आभारी हैं। हमारे गोरिया कोठी का भी एक मोहम्मदन का लड़का जो विदेश में मर गया था, 32 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम था और 15-20 दिन के अंदर उन्होंने मंगा करके और उन्होंने कहा कि इसको दे करके हमें सूचित भी कीजिएगा, तो हम अपने दरवाजे पर उसके पिताजी को बुलवा करके चेक दिया था। और इस तरह के अनेक काम उन्होंने हम लोगों को किया था। आज वो हम लोगों के बीच नहीं रही, उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके मृतक की आत्मा को शांति मिले। को सुषमा जी के निधन से पूरे राष्ट्र को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे समय में मैं अपना हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बस इतना। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के निधन से पूरा देश मर्माहत में है, हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके कार्यकाल में विदेश मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं, जो कि पूरा देश उस कार्य को भुला नहीं सकता है। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए